अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे मटका कुल्फ़ी। तो ये बहुत ही डिलीशियस और ज़बरदस्त कुल्फ़ी बनके तैयार होती, तो आप लोग भी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनके तैयार होती। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो दूध को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, ये है 1.5 लीटर दूध। तो इसके अंदर ऐड करेंगे अब हम ये 6 पीसी हुई इलायची, और अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे, यानी कि 1/4 रेड्यूस होना है जब तक हमको ये पकाना है, मलाईदार हो जाना दूध अच्छे से। तो ये देखिए अब ये 1/4 रेड्यूस हो गया, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पिस्ते, बिल्कुल बारीक चॉप्ड कर लेना है हमको। बादाम ऐड कर लेंगे चॉप्ड किए हुए, और ये है ज़ाफ़रान की काढ़ियों का दूध। तो हाफ़ टी स्पून ज़ाफ़रान की काढ़ियों को आप मिक्स कर लीजिए 2 टेबल स्पून दूध में, तो इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता। शक्कर ऐड कर लेंगे हम 250 ग्राम्स, तो 1.5 लीटर दूध के लिए 250 ग्राम शक्कर बराबर हो जाएगी। साथ में ही खोआ भी ऐड कर लेंगे अब अपन, और इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि जो खोआ है इसके अंदर अच्छे से घुल जाना। 250 ग्राम खोआ ऐड करेंगे। तो 15 से 20 मिनट पका के अब हम फ्लेम ऑफ़ कर लेंगे। तो ये देखिए हमने फ्लेम ऑफ़ कर लिया है, और ये छोटे साइज़ का मटका ले लेंगे हम कुल्फ़ी डालने के लिए। तो ये बाज़ार में बहुत ही इजीली अवेलेबल है, और ये जो दूध का बना हुआ मिक्सचर है वो ऐड कर लेंगे हम मटके के अंदर। इसके ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, पिस्ता और बादाम, और अब हम इसको कवर कर लेंगे एल्युमिनियम फॉइल से इस तरह से, और अब हम इसको फ्रीज कर लेंगे 6 से 7 घंटों के लिए। और अगर आप चाहे तो इस तरह से कोई एयर टाइट कंटेनर में भी इसको डाल के ढक्कन से लगाकर फ्रिज में, यानी कि फ्रीज़र में इसको फ्रीज़ होने के लिए रख दीजिए। तो ये देखिए हमने इसको 6 से 7 घंटों के लिए फ्रीज़ होने के लिए रख दिया था, और अब हम इसको निकाल के चेक कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छे से जम गई कुल्फ़ी, ये देखिए। तो आप लोग भी ये समर में ज़रूर ट्राई कीजिए कुल्फ़ी की रेसिपी को, और अगर आप लोगों को ये कुल्फ़ी की रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।